नमस्कार दोस्तों, मैं सुफलेश सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल गैलेक्सी क्लासेस में। हम लोगों का स्वर संधि कंप्लीट हो गया था, आज हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि, ठीक है। व्यंजन संधि में कुछ नहीं, ज़्यादा चार पांच नियम हैं, ठीक है, उनको अच्छे से पढ़ लेंगे आज, ठीक है। व्यंजन संधि में क्या होता है, व्यंजनों का योग होता है। किसका होता है, व्यंजनों का योग, व्यंजन, ठीक है, व्यंजन का गुणा, व्यंजन का, व्यंजन वाले वर्णों का योग होता है, ठीक है, व्यंजन वाले, व्यंजन का योग होता है इसमें। व्यंजन संधि में व्यंजनों का योग होता है, ठीक है। तो इसमें का पहला नियम और जो है, पहला नियम ये है ता का नियम, ता के बाद, ठीक है, ता के बाद जो है कोई भी व्यंजन आ जाए, ता के बाद व्यंजन आए, ठीक है, तो वह आधा हो जाता है, ठीक है। ये तो इसका पहला नियम होगा, ता का नियम, ठीक है। ता वाला जो है काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो ता का बता रहे हैं। ता का जो है याद रखिएगा कि ता के बाद अगर कोई भी व्यंजन आता है तो वह आधा हो जाता है। जैसे उत धन चारण, ठीक है, चारण क्या हो जाएगा, चा आधा हो जाएगा, उच्चारण ये हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से उत धन चारण, चा का आधा हो जाएगा, उच्चारण हो जाएगा, ठीक है ना, उच्चारण हो गया। उत धन लास, उल्लास, उल्लास हो जाएगा, ठीक है, उत धन लास, उल्लास हो जाएगा, यानी कि ला का जो हो जाएगा ये आधा हो जाएगा, ठीक है ना, आ का आधा हो जाएगा। फिर है जगत, ठीक है, धन नाथ, तो क्या हो गया, जगन्नाथ, ठीक है, जगन्नाथ हो जाएगा, ठीक है ना। तो कुल मिला के ये है कि ये जो वर्ण होगा ये आधा हो जाएगा, यानी कि जो अंतिम वाला वर्ण होता है वो आधा हो जाता है, ठीक है। अगर ता आ गया तो ता के बाद क्या होगा, अंतिम वाला वर्ण जो होगा ये आधा हो जाएगा, ठीक है, ये जो है ये वाला वर्ण आपका आधा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इतनी चीज़ जो है इसमें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद है, ठीक है, दूसरा नियम ये है, ये तो पहला नियम हो गया। दूसरा नियम है, ठीक है, दूसरा नियम ये है, दूसरा, ठीक है, दूसरा क्या है, पहला तो ये हो गया ता वाला नियम हो गया, ठीक है, पहला ता का हो गया, दूसरा है माँ का नियम, ठीक है। जैसे सम धन योग, तो क्या हो जाएगा, संयोग हो जाएगा, संयोग, ठीक है। तो कहीं भी संयोग को अगर तोड़ना आ जाए तो ये बिंदी का सीधा सीधा माँ ही लिखिएगा, ठीक है। जैसे संसार, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सम धन सार, ठीक है, ये टूटेगा, ठीक है, बिंदी वाला जो है तो इस तरीके से ये टूटेगा, ठीक है, संयोग हो गया, संसार हो गया, सिख है, इस तरीके से जो है ये आपका टूटेगा, ठीक है ना, संकलन हो गया, ठीक है, संकलन, ठीक है, क्या हो जाएगा, सम धन कलन, ठीक है, सम धन कलन हो जाएगा। तो बिंदी का कुल मिला के नौ जो है माँ बन जाता है, जहाँ पर भी बिंदी आएगी अगर उसको तोड़ेंगे तो वो माँ हो जाएगी, ठीक है, बिंदी को तोड़ेंगे तो वो माँ बन जाएगी, बिंदु को तोड़ेंगे तो वो माँ हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका दूसरा हो गया, क्या कि जो बिंदी होती है उसका माँ हो जाता है, बिंदी का माँ हो जाता है, वो होता ही वैसे है। तो दो नियम हो गए, ठीक है, दो नियम हो गए। पहला नियम हो गया ता का, ता का क्या होता है, ता के बाद कोई वर्ण आता आधा हो जाता है, दूसरा माँ का नियम हो गया। तीसरा ये नियम है, जैसे परि धन नाम, तो हो जाएगा परिणाम, यानी कि ना का अड़ा में परिवर्तन, रामायण, राम धन अयन, ठीक है,
रामायण, ठीक है, ना का अड़ा हो जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे जहाँ पर भी ना आएगा वहाँ पर जो है ना का रा हो जाता है, ठीक है। अगर रा और मा के बाद जो है ये ना आ जाए तो उसका जो है अड़ा हो जाता है, ठीक है, रड़ा हो जाता है रामायण, ठीक है, राम धन अयन रामायण। ये आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछेगा। प्र नाम तो क्या टूटेगा, प्रणाम, ठीक है, प्रणाम, ना का अड़ा हो जाता है, ठीक है ना। तो ये आप जो है ज़रूर से ज़रूर जो है याद रखिएगा, ठीक है ना। ये यानी कि ना का परिवर्तन जो होता है अड़ा का होता है, ये तीसरा नियम हो जाता है, ठीक है। ये आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे गए हैं। तो पहला नियम हो गया ता का, ठीक है, दूसरा नियम हो गया माँ का, और तीसरा नियम हो गया इसका ना का, ठीक है, ता था दा धा ना, ठीक है, ता था दा धा ना। तो ये इसका नियम हो गया, तीसरा नियम हो गया, चौथा नियम, ठीक है, चौथा नियम क्या कहलाता है, चौथा नियम ये कहलाता है कि का, ठीक है, चा छा चा चा छा जा झा या चा छा जा नहीं का ख ग घ या चा छा जा झा या टा ठा डा ढाणा टा था दा धाना पा फा बा भा मा, ठीक है। ये पहले पहले वर्ड हमने लिखे, क्या लिखे हैं, ये हमने पहले हर लाइन का, हर लाइन जो पांच लाइनें होती हैं, हर लाइन का हमने पहला पहला वाला शब्द हमने लिखा। जैसे कवर का हमने का लिख लिया, चवर का हमने चा लिख लिया, टवर का हमने ता लिख लिया, तवर का हमने ता लिख लिया, और पवर का हमने पा लिख लिया। इसके बाद यदि आ आ जाए, ठीक है, या तीसरा चौथा और पांचवा अक्षर आ जाए, तीसरा चौथा पांचवा, जैसे का जो है तीसरा चौथा पांचवा क्या बनेगा, तीसरा बनेगा का के बाद था गा, ठीक है, गा घा अड़ा, ठीक है, चा का चा छा जा झा इया बन जाएगा, ठीक है, टा का टा ठा डा ढा अड़ा, ठीक है, टा का ता था ता का ता था दा धा ना, पा का पा फा बा भा मा, ठीक है। तो इस तरीके से ये थर्ड चौथा पांचवा, अगर ऐसा कुछ होता कि पहले वर्ण के बाद आ जाए, या तीसरा चौथा पांचवे वर्ण आ जाए, या यारा लावा आ जाए, ठीक है, या यारा लावा आ जाए, यारा लावा, ठीक है, यारा लावा अंत स्थायित्व, तो उसका क्या हो जाता है, थर्ड हो जाता है, तीसरे में परिवर्तन हो जाता है, यानी कि तीसरे में परिवर्तन होके क्या बनता है, गा बन जाता है, का वाला चेंज हो जाएगा गा में, ठीक है। तो याद रखेंगे क्या, पहले के बाद यानी कि पहले वाले वर्ण के बाद अगर पहला या तीन चार पाँच आ जाता है या ग्यारह लावा आ जाता है तो उसका जो है तीसरा वाला बन जाता है। जैसे का तीसरा वाला क्या है, का खा गा, ठीक है, तो का गा बन जाएगा, तो गा हो गया, ठीक है, चा छा जा, ठीक है, तो जा बन जाएगा, इस चा का जा बन जाएगा, फिर टा ठा डा, इसका क्या बन जाएगा, डा बन जाएगा, अता था दा, ता था दा, दा बन जाएगा इसका, इसका क्या बन जाएगा, पा फा बा, इसका बा बन जाएगा, यानी कि जो है इस तरीके से ये आपके परिवर्तन हो जाते हैं, ठीक है ना। अब हम इसके एग्जांपल लिखेंगे तब आपको समझ में आएगा। जैसे दिक धन गज, गज तो क्या बन गया, दिग्गज, क्या हो गया, अगर गा आ गया, देखिए तीसरा वाला आ गया, तो तीसरा वाला आ जाएगा तो का गा बन जाएगा, गा बन गया, ठीक है, तो गा बन जाएगा, ठीक है, दिग्गज हो गया, ठीक है। अच धन अंत तो क्या हो जाएगा, चा का, ठीक है, चा है, चा अगर आ गया इधर, चा आ गया है उसके बाद आया है तो क्या बन जाएगा, चा का बन जाता दूसरा वाला जा, यानी कि अजंत, अजंत हो जाएगा, अजंत हो जाएगा, ठीक है, अजंत हो जाएगा। उसके बाद जो है सट धन आनन, आनन यानी कि छह आनन का मतलब सर छह आनन वाले, टा का जो है डा बन जाता है, इसे सड़ानन, सड़ानन हो जाएगा, यानी कि डा बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद ता का, ठीक है, ता था दा, दा बन जाएगा, जैसे जगत, जगत
जगत भगवत भगवत भजन, ठीक है। ये तो भगवत भजन हो गया, तो क्या कहलाते हैं ये, भगवद भजन, ये हो जाता है भगवद भजन हो जाता है, ता का दा हो जाता है, ठीक है, ता का दा हो जाता है। पा का देखिएगा बा हो जाएगा, ठीक है, पा का बा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये जो है पा का बा हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है ये पहले वाले तीसरे वाले में बदल जाते हैं, कब, जब आ जाए, तीन चार पाँच आ जाए या 11 अलावा आ जाए, ठीक है। तो आपके कितने नियम हो गए, चार नियम हो गए, ठीक है, चार नियम आपके हो गए। कौन कौन से, पहला तो हो गया ता का नियम, पहला नियम हो गया ता वाला, दूसरा नियम हो गया मा वाला जो कि बिल्कुल सिंपल सिंपल था, और तीसरा नियम कौन सा था, ना वाला, ना का अड़ा में परिवर्तन हो जाता था, माँ का बिंदी में हो जाता था, ता का आधा हो जाता था अक्षर, ठीक है, ये नियम हो गया। और चौथा वाला था कि पहला वाला अगर होगा तो वो थर्ड वाले में बदल जाएगा, ठीक है। ये चार नियम आपके हो जाते हैं, ठीक है, ये चार नियम आपके हो जाते हैं। और एक और नियम है छा का नियम, जैसे अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद, ठीक है, तो इसमें क्या टूटेगा, अनुधन छेद में टूटेगा, ठीक है। यानी कि क्या होता है, अगर छा आ जाए, अगर उसको जोड़ना पड़े तो उसके पहले चा आ जाता है, तो ये पांचवा नियम आपका हो जाता है छा, छा के पहले जो है चा लग जाता है, वो भी आधा वाला, ठीक है, अनुच्छेद हो गया, ठीक है, और स्वच्छंद हो गया, स्व प्लस छंद, तो क्या हो जाता है, स्वच्छंद हो जाता है, स्वच्छंद हो जाएगा, तो यानी कि ये स्वच्छंद हो जाएगा, तो यानी कि छा का नियम हो गया। तो कितने नियम हो गए आपके, पांच नियम। तो बस आपको ये पांच ही नियम आपको याद रखने हैं, ठीक है, पांच ही नियम आपको याद रखने हैं, ठीक है, पांच नियम आपको जो है याद रखने हैं यही, ठीक है। तो ये आपके पांच नियम हो गए। पहला नियम हो गया आधा अक्षर वाला, ताकि आगे कोई भी आएगा आधा हो जाएगा। फिर दूसरा अक्षर है माँ का बिंदी में परिवर्तन हो जाता है। तीसरा है ना का अड़ा में हो जाता है, ठीक है। चौथा है एक का तीसरे में बदल जाता है, छा का चा हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आप जो है क्या कहते हैं, थोड़ी सी अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये आपको जो है अच्छे से आ जाएगा, ठीक है ना। अब अगले वीडियो में मिलेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग कुछ एग्जांपल हम लोग करते हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। उत धन लास उल्लास, सत जन धन जन सत जन, ठीक है, बृहत टिका बृहत टिका, ये हम लोग के वो वाले हैं ता के नियम वाले, ठीक है। ता का नियम क्या कहता है कि अक्षर आधा हो जाता है, तो वही हम लोगों का जो है आधा हुआ जा रहा है। उत धन चारण उच्चारण, ठीक है ना, सत धन चित सचित, ठीक है, देखिए चा का जो है आधा हो गया है। तत धन लीन तल्लीन, उत धन शिष्ट उच्छिष्ट, सत धन शास्त्र सच्छास्त्र, ठीक है ना। उत धन हार उद्धार, फिर अगला है उत धन छिन्न उच्छिन्न, उत धन डयन उड्डयन, उत धन लेख उल्लेख, ला का आधा हो गया। सत धन चरित्र सच्चरित्र, चा का आधा हो गया। जगत छाया जगत छाया, देखिए छा का जहाँ भी आएगा वहाँ पे उसके पहले चा लगेगा, ऐसा हमारा एक नियम है पांचवा, ठीक है। उत धन श्वास उच्छ्वास, छा के पहले आधा चा लगेगा लगेगा, ठीक है ना। तत धन शिव तत् शिव, ठीक है, यहाँ पे देखिए छा का जो है पहले चा लगा है। और एक बात और, ये वाला शा आता है, ये वाला जो छा होता है इसमें जो है शीशा होता है, इसमें छा लग जाता है। तत शंकर तत छंकर, ठीक है, पद्धति पद हा का दा हो गया, पद्धति, ठीक है, पद्धति। आगे माँ के नियम वाले हैं जो हम लोगों का सेकंड नियम है, समशय तो संचय, माँ का बिंदी लग गई, समयोग संयोग, समवत समवत तो माँ की बिंदी लग गई, समरक्षा संरक्षा, समक्षरण संरक्षण, ठीक है। तो इस प्रकार माँ से क्या होता है, ये बिंदी लग जाती है। सम प्लस विधान संविधान,
समस्मरण, संस्मरण, संहार, संघार, समलगन, संलग्न, संवर्धन, संवर्धन हो गया। माँ का देखिए जितना भी है सब में जो है बिंदी लगी जा रही, ठीक है ना, सब में जो है बिंदी लगी जा रही। संवहन, संवहन हो गया, संयुक्त, संयुक्त हो गया, समक्षरण हो गया, ठीक है ना, संकल्प, संकल्प, समधनगत, संगत, समधनपूर्ण, संपूर्ण, समधनध्या, संध्या, समधनचित्त, संचित, समधनचय, संचय, ठीक ना। तो इस तरीके से माँ की जितनी भी होती हैं वो सब बिंदी लग जाती हैं, ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, ठीक है। समधन गम, संगम, ठीक है ना, तो इनको जो है याद रख। अहंकार, अहंकार, समधनगत, संगत, समधनजय, संजय, समधन बंध, संबंध, समधन कीर्ण, संकीर्ण, समधन जीवनी, संजीवनी, संजीवनी, समधनतोष, संतोष, समधन घर्ष, संघर्ष। अगले ना के नियम के हैं, तृष्णा, तृष्णा हो गया, भूष प्लस अन, भूषण हो गया, ऋण प्लस न, ऋण हो गया, भर प्लस न, भरण हो गया, किंतु हो गया, हरण, हरण हो गया, परिमाण, परिमाण हो गया, कृष्ण, कृष्ण हो गया, कृष्ण का कई बार पूछा गया, परिणाम, परिणाम हो गया, शोष प्लस अन, शोषण हो गया, विष प्लस नु, विषणु हो गया, प्र प्लस मान, प्रमाण हो गया, पर प्लस न, पुर प्लस न, पूर्ण हो गया। ये तीसरे में बदलने वाले हैं, दिक प्लस अंबर, दिगंबर, का गा हो गया, वाक प्लस दत्ता, वाका गा हो गया, का गा हो गया, ऋक प्लस वेद, ऋग्वेद होगा, का गा हो गया, षट प्लस दर्शन, षड दर्शन हो गया, टाका डा हो गया, जगत प्लस अंबा, जगदम्बा हो गया, ताका जह दा हो गया, जगत आधार, जगधार हो गया, ताका दा, भगवत ताका दा हो गया, सतुपयोग सा का दा हो गया, भगवत गीता, दिख प्लस गज, दिग्गज, वाक प्लस एक, वागीस, दिख प्लस विजय, दिग्विजय, अच प्लस अंत, अजंत, सत प्लस धर्म, सतधर्म, जगत प्लस गुरु, जगद्गुरु, अपज, अब्ज, कमल अपज, सतगति, सदगति। इस वाले सा की संधि जब होती है तो ये षटकोर वाला सा बन जाता है, जैसे अभिषेक, अभिषेक, निषेध, निषेध, विषम, विषम, निषिद्ध, निषिद्ध।